अब हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो गांव छोड़ करके नए वाले हिंदुस्तान चले जाएं, या फिर मजहब बदल लें, जैसे कि वो कहते हैं। गाय का मांस हम नहीं खाएंगे, सर उतरवा लेंगे लेकिन मजहब नहीं बदलेंगे। फिर लड़ने के लिए तैयार रहो, जब अनंतपुर साहब से गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर की घड़ी में पहुंचे, वो सिर्फ 40 सिख थे और दुश्मन की फौज थी 10 लाख की। गुरु जी ने अपने हाथों से सजा के अपने दोनों बेटों को लड़ने भेजा था। क्या लड़े थे वो 40, 10 लाख की फौज पर भी भारी पड़े थे। अरे पर हम लड़ेंगे कैसे, उनके पास असला है, बंदूकें हैं, घोड़े हैं सरदार जी, और हमारे पास क्या है? बस जी बस, जत्थे का जत्था निकल रहा है और अब हमें भी छोड़ करके चले जाना चाहिए। चिड़िया नाल में बाल सलरावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। Yes! Look up! Are you all right, son? You're right. God!
जैन साहब, जैन साहब, का तुम नहीं, हम से लूट करता, ऑल यूनिट से लूट करता, इंडिया से लूट करता, प्राउड। मिल गया तो अफसर हो गया यार। नहीं, सब पीठ पर आपकी थपकी है, हुटुई पे लात का नतीजा है गुरुजी। जिंदा रहे, लाख खुशियां बादशाहियां। खुश कीता यारा, और सारे यारा ते बेलिया नू ते उन्हां दी सोहणियां 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 सहेलियां नू ओए अपने मिलके दी जित दी लख लख वधाइयां, ते नाले दुद्ध ते नाले मलाइयां। Excuse me, may I have a photograph, please? Of course. Thank you. Thank you. बेटा, पूरे विश्व में तुमने हमारा सर ऊंचा किया है, बस अब रोम ओलंपिक्स में तिरंगा लहराना है। सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरी देश की उम्मीदें टिकी हैं तुम पर। सर, आप जिदा आशीर्वाद चाहिए बस, मैं जान लगा दूंगा। ओह, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा ये बताओ मिल्खा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? पंडित जी, कामयाब हुआ तो एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए पूरे देश में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।